अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अलीन और कुरैशी, आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। दोस्तों, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, ये दो टाइप के प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के हमारे पास टाइप हैं। एक है मैरास्मस और एक है क्वैशकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्वैशकर के बारे में। तो दोस्तों, ये जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, ये बच्चों में पाया जाता है और इसका जो है ग्रोथ चार्ट के ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। इसमें मतलब वेट टू एज ऑफ वेट के हिसाब से और हाइट और एज के हिसाब से इसका हम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का हम कंसेप्ट निकालते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, ये क्वैशकर का एक टाइप है, बच्चे का एक टाइप है दोस्तों। इसमें जो है हेपेटोमेगैली होता है, इसलिए एब्डोमिन डिस्टेंडेड होते हैं और इसके लिम्स और पेडल पे थोड़ा सा एडिमा रहता है, फेस पे पफिनेस रहता है और लिम्स जो है वो स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। आप जैसा इस फोटो में देख रहे हैं, क्वैशकर इज कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। दिस डिसीज इज यूजुअली फाउंड इन द कंट्रीज वेयर गुड फूड इज़ नॉट रेडीली अवेलेबल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये मतलब जितना अमाउंट का फूड बच्चे को लगता है, उतना अमाउंट का फूड वो बच्चे को नहीं मिलना, मतलब इसकी वजह से जो है उसमें सर्टन टाइप ऑफ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। इसी को हम क्वैशकर कहते हैं। इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन क्वैशकर। क्वैशकर के बाद हम अगर देखेंगे तो दूसरा एक टाइप है दोस्तों, इसमें आता है मैरास्मस। मैरास्मस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम क्वैशकर। क्वैशकर में जैसा एब्डोमेन डिस्टेंट रहता है, हेपेटोमेगैली होता है, बट मैरास्मस में टोटल मसल वेस्टिंग होती है दोस्तों। मसल वेस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि उसमें से टोटल प्रोटीन का जो है, प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है और फैट्स के अंदर का भी जो मसल के अंदर का जो फैट है या प्रोटीन है वो टोटल वहाँ से डिप्रैक्ट होता है, वहाँ से निकलता है। तो इसलिए क्वैशकर मैरास्मस का जो बच्चा होता है वो एकदम थिन होता है दोस्तों, और उसका जो लुक होता है, इट लुक लाइक एडल्ट पर्सन, मतलब एक ओल्ड एज का जो पर्सन होता है उस हिसाब से ये मैरास्मस का बच्चा दिखता है। तो मैरास्मस और क्वैशकर, ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की कंसेप्ट है दोस्तों। ये मैं जैसे बताया आपको, वेट टू हाइट और वेट एज के हिसाब से हाइट कितने, सॉरी, और एज के हिसाब से वेट कितना है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड चार्ट, स्टैंडर्ड वेट एंड हाइट चार्ट फ्रॉम हु का जो चार्ट है, इसको हम सैम भी बोलते हैं दोस्तों। दैट इज़ सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन की वजह से ये दो कंडीशन तैयार होते हैं। दूसरा, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, मतलब ऐसे बच्चों को हम खाने में क्या देते हैं। ऐसे बच्चों को हम खाने में फार्मूला 75 और फार्मूला 100, ऐसे दो फार्मूले देते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, मैरास्मस हो, क्वैशकर हो, इनका जो है दोस्तों, इनके जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो होती है और ये बहुत सी डिसीज़ को प्रोन होते हैं। इसलिए ये फार्मूला 75 और फार्मूला 100, ये टू टाइप के फार्मूले हम बनाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में ये, तो हमें ये पता चलेगा कि फार्मूला 75 जो है ये एक स्टार्टर फार्मूला होता है और फार्मूला 100 इसको कैचअप फार्मूला बताते हैं। फार्मूला 75 से वेट नहीं बढ़ता, पर फार्मूला 100 से हम वेट बढ़ाते हैं। फार्मूला 75 में ये दोनों भी फार्मूले ये 100 ml के होते हैं दोस्तों, बट फार्मूला 75 और फार्मूला 100 इसके नाम ऐसे क्यों पड़े हैं। फार्मूला 75 में 75 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी मिलती है और फार्मूला 100 में से 100 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी मिलती है। फार्मूला 75 में 0.9 ग्राम इतनी प्रोटीन मिलता है और फार्मूला 100 में 2.9 ग्राम इतना प्रोटीन मिलता है। दूसरे भी बहुत से इंग्रेडिएंट उसमें मिलते हैं। इसको बनाने का बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है दोस्तों। पहले हम दूध और पानी एक मिक्सर में लेते हैं, उसमें चुरमुरे का या मुरमुरे का जो पाउडर होता है वो डालते हैं, उसमें तेल डालते हैं दोस्तों, जिसे अभी वीडियो में देख रहे हैं, और थोड़ी सी एक शक्कर इसमें ऐड की जाती है और इसको मिक्सर में, ग्राइंडर में पीसा जाता है दोस्तों। और ये जो फार्मूला तैयार होता है, इसमें फार्मूला 75 और फार्मूला 100, ये दोनों में वही इंग्रेडिएंट हैं, सिर्फ इसके एनर्जी कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट डिफरेंट होते हैं दोस्तों, दैट्स ऑल। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो ये जो फार्मूले हैं, ये रेगुलरली हमें इन टाइप, ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन सैम में जो बच्चे आते हैं उनको हम देते हैं, और ऐसे बच्चों को हम दोस्तों NRC न्यूट्रिशनल चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम एडमिट रखकर
इन बच्चों को जो है हम ट्रीटमेंट देते हैं दोस्तों। दोस्तों फार्मूला 75 और फार्मूला 100, ये जो फार्मूले हैं हम जनरली ये घरों में भी बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि इसकी बनाने दोस्तों फिलहाल के टाइम पे राइट नाउ पूरी दुनिया ये कोरोना वायरस से परेशान है। तो मैं यही चाहूँगा, आपके लिए प्रे करूँगा सबके लिए कि आप सब हमारे इंडिया के लोग कोरोना से स्वस्थ रहे और उससे दूर रहे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे, हाइजीन मेंटेन रखे। थैंक यू वेरी मच।